यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019, यूपी बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th रिजल्ट 2019। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ, बहुत ही बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने दी है यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की और कक्षा 12वीं की परीक्षा, तो उन्हें इंतजार है उनके रिजल्ट का। तो दोस्तों आपके रिजल्ट की घड़ियां बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी रिजल्ट डेट हो चुकी है फाइनल। जी हाँ दोस्तों, जिसकी पूरी जानकारी और पूरी अपडेट हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 रिजल्ट डेट फाइनल, कॉपी चेकिंग शुरू। जी हाँ, कॉपी चेकिंग का काम शुरू हो चुका है और इस दिन आएगा रिजल्ट। दोस्तों किस दिन आएगा रिजल्ट, क्या तारीख है, क्या समय रहेगा, इसकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से आपको करना है अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक, वो भी बिना किसी सर्वर इशू के। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अदर साइटों पे, कई जगह पे आपने देखा होगा कि आपको यूपी बोर्ड रिजल्ट के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पहली बार में अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट नहीं चेक कर पाते हो सर्वर इशू के कारण। तो दोस्तों किस तरीके से आपको करना है अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक काम कर दीजिएगा कि जिन्होंने भी दी है यूपी बोर्ड की क्लास 10th की परीक्षा और क्लास 12th की परीक्षा, तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों तक, छोटे भाइयों तक, छोटे भाई बहनों तक, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एक ब्रेकिंग अपडेट। और इसी के साथ ही दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों के पास होगा एंड्रॉइड मोबाइल, तो एक छोटा सा काम करना अपने रिजल्ट, अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और वो काम ये कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप, ताकि आपको अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की अपडेट मिल सके आपके मोबाइल पे और आप अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक कर सको अपने मोबाइल में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक। तो दोस्तों आपको अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी सर्वर इशू के, बिना किसी परेशानी के चेक करने के लिए सबसे पहले आना होगा सिर्फ और सिर्फ एक नाम, sarkarexam.com पे। sarkarexam पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू अपडेट के सेक्शन में और आपको यहाँ एग्जाम रिजल्ट के सेक्शन में लिंक मिल जाएगी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 के पेज पे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th रिजल्ट जल्द होगा जारी सबसे पहले sarkarexam.com पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019। और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट के सामने क्लिक में लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं सबसे पहले, वो भी बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी परेशानी के। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेज की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप डायरेक्ट जाकर के भी अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं आज की अपडेट, जहां से हम आपसे कह रहे हैं कि कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है और इस दिन रिजल्ट आएगा। दोस्तों आज की अपडेट बताने के लिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले livehindustan.com की खबर में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, सरकार ने दिए ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जब इसकी पूरी खबर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सुचितापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा है कि 8 मार्च से प्रारंभ हो रहा मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से तय समय में कराया जाए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉपी चेकिंग की बात हो रही है, तो कॉपी चेकिंग क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों की, दोनों की ही कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। और अब आपके इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए बताते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट की फाइनल डेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, अप्रैल से मई महीने में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। 11 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे और 11 अप्रैल से ठीक एक महीने पहले 11 मार्च से आज से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं फाइनल हुई है, एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ दोस्तों 11 अप्रैल से आपका लोकसभा का चुनाव है, तो इसके पहले, अप्रैल के पहले वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको दिक्कत की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी sarkarexam.com से। अगर आपने किया है 3 काम, फटाफट से 3 काम कर लो। क्या करना है 3 काम, तो दोस्तों लगातार विजिट करते रहो sarkarexam.com, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए sarkarexam का एंड्रॉइड ऐप। और हाँ दोस्तों, मेरे संग बने रहिए sarkarexam यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 की नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।